पैरों में दर्द कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, तो इससे कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लगातार ये तीन इलाज, मेंटली स्ट्रांग, एक्सरसाइज और सरसों का तेल, बस इससे आप आराम से बड़ा दर्द ठीक कर सकते हो। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। एक चीज तो ये ध्यान रखना बेटा, जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनके पैरों में अभी दर्द हो रहा है, बहुत से बच्चे हैं जिनके आगे होने वाला है, बहुत से बच्चे हैं जिनका पैरों में दर्द ठीक हो चुका है, तो कोई ये निश्चित क्रम नहीं है कि किसके कब दर्द होगा, कब ठीक होगा। शरीर की बनावट ही हमारी ऐसी है, जब भी हम लापरवाही कर देंगे, जब भी जाने अनजाने में कोई गलती हमसे हो जाएगी, उसी समय पैरों में दर्द हो सकता है। अब ये जो एक्सरसाइज है, ये एक तरह से एंटीबायोटिक की तरह है, और ये हमारे पैरों को मजबूत भी बनाती है। दर्द तो ठीक करती करती है, दर्द ठीक करने के साथ साथ क्या करती है बेटा, ये पैरों को मजबूत बनाती है, पैरों में पावर पैदा करती है। तो ये पांच एक्सरसाइज का जो सेट है वो आपको करना चाहिए रोज शाम को, रोज शाम को। जिनके दर्द नहीं है उनको तो शाम को, और जिनको दर्द है उनको दोनों टाइम। लगता है कि पूरी एक्सरसाइज आपको करके नहीं दिखा पाऊं, लेकिन ये आप कहां देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। मेरे तीन चार वीडियो हैं, सब इंस्पेक्टर के टाइम के, कांस्टेबल के टाइम के, और वहां से आप वीडियो में भी देख के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों हमें शाम को भी रनिंग नहीं करनी चाहिए, ये मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि दोनों टाइम दौड़ने से दौड़ नहीं होती है, दोनों टाइम नहीं दौड़ना है। दोनों टाइम दौड़ने की बजाय रनिंग आप एक ही टाइम अच्छे से करिए, और उसके बाद दूसरे टाइम क्या करना है, ये एक्सरसाइज करनी है। हम इतना स्ट्रांग बन चुके होंगे, हम इतना मजबूत बन चुके होंगे तब तक कि दर्द के साथ भी करने के लिए हमें तैयार रहना है। अगर दर्द हो भी गया तो भी उसमें भी हमें ये एक्सरसाइज करके इतना मजबूत अपने आप को बना लेना है कि उसके बाद में भी हम रनिंग कर सके। दर्द के तीन इलाज हो सकते हैं बेटा। पहला इलाज हो सकता है कि आप रनिंग करके भी उसको ठीक कर सकते हैं, रनिंग करके भी ठीक कर सकते हैं, अगर आप सहन करना जानते हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो दौड़ दौड़ के भी अपने दर्द को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दौड़ने में किसी को मजा नहीं आ रहा होता है, सबको वैसा ही दर्द हो रहा होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं, जो लगातार लगातार सहन करके ठीक कर लेते हैं, और कुछ लोग टूट जाते हैं, क्योंकि दर्द का जो इलाज है वो आप ही के पास है, आप ही अपने सबसे अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। दूसरे को नहीं पता होता है कि कब से हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे उसको सहन करने वाला है, नहीं सहन करने वाला है, तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा जो इलाज, सेकंड जो इलाज है वो ये एक्सरसाइज है, यानी इन एक्सरसाइज करने से, ये पांच एक्सरसाइज करके भी आप अपने दर्द को आराम से ठीक कर सकते हैं, और दोनों काम करेंगे तो वो तो बेस्ट है। और एक तीसरा इलाज और है जो मैं आज बता रहा हूं आपसे, वो है मेडिकल सपोर्ट, जो हम बाहर से ले सकते हैं, और उसमें भी कई तरह के सपोर्ट आते हैं। एलोपैथिक आता है, आयुर्वेदिक आता है, होम्योपैथिक आता है, और एक इलाज दो देसी जो इलाज लोग करते हैं, जो पहलवान जो लोग करते हैं मालिश वाला, वो भी एक इलाज हो सकता है। बट मैं आपको एक आसान सा इलाज बता देता हूं दर्द के लिए, पैरों में किसी भी प्रकार का दर्द है आपके, तो आप पहली चीज मेंटली स्ट्रांग बनिए, सहन करिए थोड़ा थोड़ा। दूसरी चीज एक्सरसाइज नियमित रूप से करिए, और तीसरी चीज सरसों का तेल लेना है कटोरी के अंदर, और उसमें लहसुन की कलियां डालनी है 10, और उनको बॉईल करना, उस तेल को पूरी तरह बॉईल करिए जब तक वो जल नहीं जाए। जब वो जल जाती हैं उसके बाद में उस तेल को ठंडा होने दीजिए। पूरी तरह ठंडा होने के बाद अपने पूरे पैरों पे जहां तक आपको दर्द हो रहा है उस एरिया में, पूरे में लास्ट तक पूरे पैरों में लगा लो, और हल्का हल्का अपने हाथों से उसको अंदर जाने दो। उसको रगड़ना नहीं है, दूसरे की हेल्प लेके उसको दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है, उसको अपनी अंगुलियों से लगा लगा के, और पूरे को, हमारे छिद्र होते हैं पैरों के अंदर, चमड़ी के अंदर छेद होते हैं बारीक बारीक, उस तेल को धीरे 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 अंदर जाने दो पूरा। और उसके बाद पांचों एक्सरसाइज जो वीडियो में आप देखते हो, पांच एक्सरसाइज पैरों की, ये आधा घंटा करिए। इस तरह से लगातार अगर आपने 6-7 दिन अगर ये एक्सरसाइज कर ली, ये तेल लगा लिया, तो आपके पैरों का दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। और धीरे धीरे अगर ये ही दर्द अगर हमारे दिमाग में पहुंच जाता है, जब ये दर्द दिमाग में पहुंच जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है, ये
हमारे लिए बड़ी समस्या बन जाता है। और एक बार अगर अपन इसके जाल में फंस जाते हैं तो फिर एक्सरे कराने लग जाते हैं, दवाइयां लेने लग जाते हैं, रेस्ट करने लग जाते हैं, तो फिर वो समस्या बड़ी बन जाती है। इतनी बड़ी समस्या नहीं है, पैरों में दर्द कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, तो इससे कभी भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लगातार ये तीन इलाज, मेंटली स्ट्रांग, एक्सरसाइज और सरसों का तेल, बस इससे आप आराम से बड़ा दर्द ठीक कर सकते हो। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।